नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने DIY की ओर। आज हम 3 अलग अलग वॉल डेकोर बनाने वाले हैं और इनमें थोड़ा सा फेस्टिवल लुक है, तो अगर आप इन्हें घर में सजा के रखोगे तो थोड़े से फेस्टिवल वाइब्स आपके घर में दिखेंगे और बहुत ही सुंदर और कलरफुल है ये। तो चलो चलते हैं अपने DIY की ओर। अब इस पहले DIY में कोई भी स्क्वायर पेपर लीजिए, बेस पे एक वाइट पेपर स्टिक कर लीजिए और आपका बेस तैयार है। देखिए, बहुत ही आसानी से ये आपका बेस तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो हमारे कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस हैं, उनसे आप बॉर्डर में लगा लीजिए। तो मैंने 2x2 सेंटीमीटर्स के छोटे छोटे स्क्वायर्स कट किए हैं और जैसे आप देखोगे मैंने पूरे बॉर्डर पे लगाए हैं। तो लगाने से पहले आप इन्हें पहले प्लेस कर लीजिए और फिर फेविकॉल से इन्हें चिपकाइए। और बीच के लिए मैंने उसी स्क्वायर पेपर ही लिया है 2x2 का, और ऊपर का एक जो लेयर होता है कार्डबोर्ड का निकाल दिया है, तो उसके अंदर का कॉरूगेटेड शीट मुझे मिल गया है, तो वो भी पहले प्लेस कर लीजिए और उसके बाद आप फेविकॉल लगाइए। तो देखिए, इस तरह से कुछ तैयार होता है। और ये 15x15 का मैंने स्क्वायर लिया था। अब इसे पहले जैसो से पेंट कर लीजिए और फिर अपना मनपसंद कलर पहले बेस में दे दीजिए। तो मैंने येलो कलर प्रेफर किया है, तो पूरे डेकोर को आप पहले येलो कलर से कलर कर लीजिए जैसो के बाद। और फिर जो हमने ये स्क्वायर्स लगाए हैं, इन्हें आप अलग अलग कलर्स में पेंट कीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो ऑरेंज, जो भी आपके पास हो, थोड़े डार्क कलर का ही हो सके तो इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट ऐसा वॉल डेकोर दिखता है। तो बीच वाले जो कॉरूगेटेड शीट के पीसेस हैं, आप उसमें स्क्वायर्स भी लगा सकते हो। तो ये अपनी तरह से आप जैसा भी आपके पास अवेलेबल होगा आप वैसे उसे चेंज कर सकते हो। देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है जब ये पूरा कलर हो जाता है। देखिए, अब रेड के बाद रेड ग्रीन हो गया है, तो आप अपने हिसाब से अपना पैटर्न बना सकते हो और उसमें कलर कर सकते हो। मैंने सब जगह एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किए हैं। अब मैंने ब्लू भी इस्तेमाल किया है। अब उसके नीचे के लिए हम जो बनाने वाले हैं वो हम उसमें ऊन का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी छोटी रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पतली वाली। जो डैंगलर्स हम बनाने वाले हैं मैंने ऊन से बनाए हैं, आप किसी रस्सी से भी बना सकते हो, बहुत ही इजी है। अपने हाथ पे लपेट लीजिए और बस गांठ बांध के ये हमारे डैंगलर्स बनके तैयार है। देखिए, आप चाहिए तो इसे अगर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बनाना चाहते हो, फ्लफी, तो आप ज़्यादा राउंड्स अपने हाथ पे लपेटो। तो इस तरह से हमारे डैंगलर्स बनके तैयार हैं और अब हमें इसे प्लेस करना है। उससे पहले हमने जो ये स्क्वायर्स बनाए थे उसके ऊपर मैंने कुछ मिरर वर्क किया है। तो देखिए, एकदम ही इसका लुक बदल जाता है हम जैसे इसमें कुछ मिरर लगा देते हैं। और पीछे से फिर हम इसे डैंगलर्स अटैच कर देंगे। पहले आप फेविकॉल से चिपकाइए और उसके ऊपर आप सेलो टेप लगा दीजिए, जिससे वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे और हमारा प्यारा सा डेकोर बनके तैयार है।
तो आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा साइज कर सकते हो और कलर्स भी चेंज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे डेकोर की ओर। इसमें भी मैंने बेस में स्क्वायर कार्डबोर्ड लिया है जिस पे मैंने वाइट पेपर चिपका लिया और मैंने इसे ब्लू कलर से पेंट कर लिया। अब हम इसमें एक गणपति ड्रॉ करने वाले हैं, तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और हम इसमें मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर आपके पास क्ले ना हो तो आप ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं गणपति के, ये आप कार्डबोर्ड से भी कट करके लगा सकते हो। तो ये इसमें एक वेरिएशंस आप कर सकते हो, जो अपना पतला वाला कार्डबोर्ड आता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए इसके बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए। तो ये भी एक अलग तरह से बन जाएगा, या और एमसील का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी भी क्ले का, वॉल पुट्टी के डो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी अवेलेबल हो आप उससे ये बना सकते हो। याद रखिए हमें नीचे पहले फेविकॉल अच्छी तरह लगा लेना है जिससे ये क्ले उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब जहाँ जहाँ क्ले के जॉइंट्स होते हैं उसे स्मूथ करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा हाथ पे पानी या अपने हाथ को पानी में डुबो लीजिए जिससे वो गीला हो जाएगा और जॉइंट्स को अच्छी तरह स्मूथ कर लीजिए जिससे हम कलर करते समय एकदम ही स्मूथ कलर बैठेगा उस पर। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर आपने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही स्मूथ सरफेस आपको मिल जाएगा कलरिंग के लिए। तो देखिए ऐसे जो कर्व होते हैं उसमें आप छोटे छोटे पार्ट्स करके जॉइन कीजिए और पानी की सहायता से इसे स्मूथ टेक्सचर दीजिए। अब मुझे थोड़ा सा मड या जैसे क्ले का कलर रहता है वैसा चाहिए था, इसलिए मैंने बेस में ये कलर दिया है। आप चाहिए तो इसमें स्किन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे गणपति जी का मुकुट है। देखिए सो प्यारा सा हमारा डेकोर लगभग बन के तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाता है और जो मटेरियल हमारे घर में अवेलेबल होगा उसी का यूज़ करके हम इसे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने साइड में मिरर का इस्तेमाल किया है और नीचे ऊन के डैंगलर्स लगाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये डेकोर आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने तीसरे डेकोर की ओर। ये भी बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें भी मैंने स्क्वायर पेपर लिया है, इसमें लेकिन मैंने पतला कार्डबोर्ड लिया है और अब इसे स्क्वायर ही लेना है। डायगोनल्स में आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए और मैंने 15x15 का लिया है और हर 2 सेंटीमीटर पे मैंने ऐसे डॉट्स लगाए हैं। अब इन डॉट्स को मैंने जॉइन करके देखिए मैंने इसे जॉइन कर लिया। जो डायगोनल हमने लाइंस ड्रॉ की थी उस पे हमें डॉट्स लगाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेस जो है ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब हम इसमें ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हर एक बॉक्स में हम अच्छी तरह फेविकॉल स्प्रेड कर लेंगे और ऊन को चिपकाते जाएंगे। एक कॉर्नर जैसे लाइंस हैं
उसी के अनुसार चिपकाना है। और याद रखना है ये ऊन हमें ज़्यादा खींचनी नहीं है, नहीं तो वो पतली हो जाती है। अब मैंने 2 सेंटीमीटर के जो डॉट्स लगाए थे उसमें करीब करीब 6 ऊन की लाइंस बैठती है, तो आप भी अगर 2 सेंटीमीटर का ही इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसमें 6 लाइंस आपकी आराम से बैठ जाएगी। हमको पॉइंट टू पॉइंट ही ऊन को चिपकाना है और तुरंत कट कर लेना है। देखिए ऐसे आपको चिपकाना है, इसीलिए मैंने बोला है पहले नीचे फेविकॉल अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए और ऊन चिपकाते जाइए और कट करते जाइए, और ऊन को ज़्यादा खींचे मत, नहीं तो वो पतली ऐसे डोरी के जैसे हो जाती है। तो जो भी कलर की ऊन आपके पास होगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक वेरिएशन आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास ऊन ना हो तो पतली सी जो हमारी थ्रेड जो आती है उससे आप हर एक कलर में डुबो के फिर उसे पेस्ट कर सकते हो, या अलग अलग तरह से थ्रेड पेस्ट कर लीजिए और ऊपर से फिर कलर कर लीजिए। ये भी एक अलग तरीका है अगर आपके पास कलरफुल वूल ना हो तो। पूरा डेकोर आप वाइट कलर के थ्रेड में ही कर लीजिए और फिर उसके ऊपर आप कलरिंग करते जाइए, ये भी एक अलग मेथड है। तो हमेशा याद रखिए जब हम क्राफ्ट बनाते हैं तो हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए तो मैंने इसमें अलग अलग कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है, देखिए लाइन टू लाइन अच्छी तरह से आपको करना है, और अच्छी तरह चिपकने के लिए उसके ऊपर कुछ हैवी ऐसा वेट रख दीजिए जिससे वो ऊन अच्छी तरह से चिपक जाएगी। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं स्क्वायर्स छोटे होते जाते हैं, तो हमें बहुत बारकाई से इसमें काम करना पड़ेगा जब हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तब। यकीन मानिए ये कलरफुल डेकोर बहुत ही सुंदर दिखता है। और बहुत आसान है ये बनाना भी। अब मेरा पूरा डेकोर ऊन से कवर हो चुका है, अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। तो मैंने एक लाइन में इसे ब्लैक वूल से रखा है, कवर किया है, और ये बेस हमारा बनके तैयार है। अब आप इसे जैसे चाहिए अपने हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रेडीमेड पॉम्पॉम्स का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह ऊन के भी पॉम्पॉम्स बना सकते हो, या आप बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने वॉल डेकोर को सजा सकते हो। मैंने कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल किया है, ग्रीन कलर के और वाइट कलर के। आप मोतियों से इसे सजा सकते हो।
उम्मीद करती हूँ आपको आज के तीनों DIY पसंद आए होंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।